वेलकम टू पेशेंस मैथ क्लासेज। मैं आदित्य, आज मैं आप लोगों को बेसिक मैथ में एलसीएम और एचसीएफ बताने जा रहा हूं। यदि वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। देखिए सबसे पहले कि 40, 48 और 20 का आपको एलसीएम निकालना। किसका निकालना? 40, 48, 20 का। ओके, कैसे निकालेंगे देखिए। इसको लगाने का देखिए नियम क्या है। सबसे पहले हम दो से लगाएंगे, दो से नहीं लगेगा तो तीन से लगाएंगे, तीन से नहीं लगेगा चार से लगाएंगे, चार से नहीं लगेगा पांच से लगाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए, दो से अगर लगा रहे हैं तो कम से कम आपका दो लगना चाहिए, दो गो में लगना चाहिए। अगर आप तीन से लगा रहे हैं तो कम से कम दो ठो में लगना चाहिए। यदि आप चार से लगा रहे हैं कम से कम दो गो में लगना चाहिए। अगर सिंगल लग रहा है तब हमको दो से नहीं लगाना, तब नेक्स्ट संख्या ले लेंगे, कम से कम दो लगना चाहिए। चलिए दो से लगाते हैं। इसका आधा 20, इसको दीजिएगा तो 24 और इसको दीजिएगा तो 10। ओके, अब फिर आप इसको दो से लगाइए। इसका आधा 10, इसका आधा 12, इसका आधा 5, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा ना। अब इसमें फिर दो से लग जाएगा, दो ठो देखिए 10 और 12, 5, 6, 5। अब आप दो से लगाइएगा कि तीन से लगाइएगा? इसमें ना दो से लगेगा, ना तीन से लगेगा, ना चार से लगेगा, पांच से लगेगा। कैसे? दो से सिंगल लग रहा है, तीन से तो लग ही नहीं रहा, चार से तो लग ही नहीं रहा, पांच से लग रहा है दो ठो देखिए, तो पांच से लगाना है। पांच एकम पांच, और जिसमें आप भागा दीजिएगा, जैसे पांच को छ में दीजिएगा भागा तो नहीं लगेगा, इसका सेम टू सेम उतार दीजिएगा, बोलिए पांच एकम पांच। अब आपको इसको कैलकुलेट करना, देखिए एलसीएम बराबर जिससे से लगाएं, किससे लगाएं? दो से, फिर दो से, फिर दो से, फिर पाँच से, दो दुना चार, दो को दो से गुना किए चार, फिर चार को दो से गुना किए आठ, आठ को फिर पाँच से गुना कीजिए 40। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमको एलसीएम को निकालना। देखिए एलसीएम का क्या भाज है, 30 का। जब भी एलसीएम निकालेंगे तो छोटा को देंगे बड़ा भागा, ठीक है। छोटा कितना है? 30, बड़ा कितना है? 55, ठीक है। कितने बार में भागा लगाइएगा? एक बार में, 30 से कम 30। पाँच का पाँच, यहाँ दो उतर गया। भागा जब तक आपको देना है जब तक ये कटेगा नहीं, तब तक देना है जब तक ये कटेगा नहीं। तो चलिए अब 25 यहाँ बच गया, फिर 25 को छोटा को 30 में डिवाइड कर देना। 25 से कम 25 घटाएंगे कितना होगा? 5। फिर 5 को देना है आपको 25 में, 25, 5 बार में क्या हुआ? पूरा पूरा कट गया, आप भागा नहीं लगेगा। अंतिम बार में किससे लगा है? पाँच से। यही आपका हुआ एच सी एफ बराबर 5। आज के लिए इतना ही।